हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञान ग्रेविटी चैनल पे। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, होता क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता है। ये एक बहुविकल्पी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बहुविकल्पी मल्टीपर्पज़ चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं इसको, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें देखिए, कथन दे दिया रहता है, कथन में और निष्कर्ष दिया रहता है। निष्कर्ष एक भी दे दिए रहते हैं, दो भी दिए रहते हैं और कई में तीन भी निष्कर्ष दिए रहते हैं। तो इसमें कितने निष्कर्ष हैं, एक और दो। कथन दे दिया है, कथन पढ़िए चलिए। सभी बंदूकें तोप हैं, सभी तीरे तोप हैं और कुछ तोप धनुष हैं। देखिए कथन इतने सारे हैं, कथन में कुछ भी बोल दिए रहते हैं लेकिन उससे, उस कथन से संबंधित हमको क्या निकालना रहता है, निष्कर्ष। अब देखिए, इस कथन में जितना भी कुछ बोला गया है उससे हमें निष्कर्ष निकालना कि पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है। तो हमारे पास आंसर देने के लिए पांच ऑप्शन रहते हैं। तो ऑप्शन ए रहेगा यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन एक, ठीक। और बी क्या रहता है, यदि केवल अनुसरण दो करेगा, मतलब दो निष्कर्ष दो है, अगर ये सही रहेगा तो बी टिक लगाते हैं। अगर यदि ना, यदि निष्कर्ष एक या अनुसरण दो, ठीक, एक या अनुसर एक या दो, दोनों में से कोई एक हो सकता है इसका निष्कर्ष, तो सी को टिक लगाएंगे। यदि न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, मतलब दोनों क्या है, अनुसरण नहीं करता, तो किसको टिक लगाएंगे, डी। और लास्ट रहता है, और लास्ट है ई। ई ई में क्या है, ई में दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, मतलब एक और दो दोनों सही हैं। तब इस तरह के क्वेश्चन आप समझ गए कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक, ठीक, देखिए इसमें क्या दे दिया है क्वेश्चन में, कथन। कथन क्या है, सभी बंदूकें तोपे हैं, सभी बंदूकें तोपे हैं, सभी तीर तोपे हैं और कुछ तोप धनुष हैं। तीन लाइन के कथन है। अब इसमें निष्कर्ष कितने दे दिए हमें, दो निष्कर्ष दिए हैं, एक और दो। निष्कर्ष एक क्या बोलता है, निष्कर्ष एक बोलता है कुछ बंदूकें तीर हैं, और निष्कर्ष दो क्या बोलता है, कुछ तीर धनुष है। अब इधर हमारे पास आंसर के लिए कितने ऑप्शन दिए रहेंगे, ए बी सी और डी, ठीक, डी। अब हमें देखना है कि क्या निष्कर्ष एक सही है, एक सही है या निष्कर्ष दो सही है, ठीक, निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष दो। तो इस तरीके के कथन और निष्कर्ष को किसके वेन डाइग्राम से सॉल्व किया जाता है, वेन डाइग्राम। वेन डाइग्राम में क्या करते हैं, सर्कल बना के किसी भी चीज़ को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कथन को, क्या कथन क्या बोला, सभी बंदूकें तोप हैं। तो मान लीजिए हम जितने भी तोप हैं उसको एक सर्कल बना लेते हैं, ये क्या है, इस सर्कल के अंदर जितने भी तोप हैं इस क्या है, इस सर्कल के अंदर है, ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं तोप, ठीक। अब बोलता है सभी तीर, सभी तीर क्या है, अब मान लो कुछ तीर है तो सभी तीर क्या है, तोप है। तो देखिए इतने इस सर्कल में, इस सर्कल, ये सर्कल क्या है, तोप का है, ठीक। अब बोलता है तीर, तीर आ गए इसमें, तीर भी क्या है, तोपे हैं। तो इस तोप के अंदर हम क्या बनाएंगे, तीर बनाएंगे, जैसे कि इस डाइग्राम में बना है। देखिए ये वाला डाइग्राम है, ये क्या है, अपना तोप है, और इस डाइग्राम के अंदर में क्या बना दिया गया है, तीर बनाया गया है, ठीक। तो इससे रिलेटेड देखिए कथन में क्या है, सभी बंदूकें तोप हैं, तो पहले हम लोग देखिए तोप बना दिए। अब बोलता है सभी तीरे, सभी तीरे क्या है, तोप हैं। तो देखिए सर तीर तोप के अंदर में हम लोग क्या बना दिए, तीर बना दिए। तो देखिए जितने भी तीर हैं क्या बन गए, तोप हो गए। और उसके बाद देखिए इसी में बंदूकें तोप हैं, ठीक, सभी बंदूकें। तो ये देखिए बंदूक है, किसके अंदर में है, तोप के अंदर में है। तो देखिए पहले डायग्राम से पता चल रहा है कि ये जितने भी बंदूक हैं क्या है, ये तोप हैं, क्यों, क्योंकि ये तोप के अंदर में है। और देखिए तीर भी है, ये भी जितने भी तीर हैं क्या है, ये भी क्या है, तोप है, क्यों, क्योंकि ये भी तोप के अंदर में है। तो इसका दो लाइन आप बना लीजिए, दो लाइन बन गया, दो लाइन के कथन। जैसे कथन देखिए पहला क्या है, सभी बंदूकें तोप है, तो हम लोग बंदूक बना लिए, और सभी बंदूकें क्या है, तोप है। तो इस बंदूक हम किसके अंदर रखेंगे, तोप के अंदर, ठीक। उसके बाद बोलते हैं सभी तीर, सभी तीर क्या है, तोपे हैं। तो एक तीर बना लेंगे, इसको भी किसके अंदर रखेंगे, हम लोग तोप के अंदर में, जिस तीर को भी तोप के अंदर रख दिया, ठीक। अब देखिए इसमें जी ये बंदूक और ये तीर, सभी बंदूकें क्या हो गए, तोप हो गए, और सभी तीरे क्या हो गए, तोप हो गए, ठीक। अब लास्ट लाइन देखते हैं, कुछ तोपे धनुष है। अब देखिए पूरा सर्कल क्या है, धनुष है, तो इसमें क्या बोलते हैं, कुछ, सिर्फ कुछ बोलता है, कुछ तोपे क्या है, धनुष है। तो कुछ बोलते हैं तो हम लोग थोड़ा सा लेंगे, ऐसे थोड़ा सा बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, धनुष, ठीक, इतना बनाएंगे। तो देखिए ये है वेन डायग्राम, ये देखिए वेन डायग्राम से समझ में आएगा कि कुछ तोपे धनुष है। अगर बोला जाता है यहीं पे कि सभी, इस कुछ की जगह क्या लिख देते हैं, सभी, सभी तोपे क्या है, धनुष है,
सभी तोप पे धनुष है, तो क्या करते हैं हम लोग, किस टाइप का एक तोप को किसके अंदर रखते हैं, हम तोप को पूरे एक धनुष के अंदर रख देते हैं। ऐसे अगर बोलता कि ये तोप किसके अंदर आ गए, ये इसको हम धनुष मान लेते हैं, ठीक इसको धनुष मान लेते हैं, तो सभी तोप किसके अंदर आ जाता, तोप के अंदर आ जाता। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ लिखा है, ठीक कुछ लिखा है, कुछ तोप धनुष है, तो यहाँ से कुछ मतलब थोड़ा सा हम लोग इस तोप का थोड़ा सा भाग लेंगे, ये इतना सा भाग, ठीक ये इतना सा भाग लेंगे, ठीक कुछ भाग क्या है, धनुष है। अब इतना हम लोग वेन डायग्राम बना लिए, अब इसी से हम निष्कर्ष निकालेंगे। अब निष्कर्ष पहला देखिए, निष्कर्ष पहला में क्या बोलता है, कुछ बंदूकें तीर है। अब देखिए सबसे पहले बंदूक देखिए, ये बंदूक हो गए, क्या बोलते हैं कुछ बंदूकें तीर है, तो बंदूक अकेले है, इसमें तीर है क्या, नहीं है, ठीक बंदूक में तीर तो नहीं है, तो इसमें बोलता है कुछ बंदूकें तीर है, तो मतलब पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक क्योंकि बंदूक अकेले पे है, यहाँ तीर भी इधर अकेले में है, अगर ये तीर इस बंदूक से ऐसे लगा रहता है उसके आधे में, तो बोलते कि कुछ बंदूकें तीर है तब सही रहता है, लेकिन यहाँ पे बंदूक अलग है तीर अलग है, ठीक है तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा निष्कर्ष, ठीक दूसरा निष्कर्ष में क्या बोलते हैं, कुछ तीर धनुष है। अब देखिए तीर ये है तीर, ठीक और क्या बोलते हैं कुछ तीर धनुष है, लेकिन यहाँ तो तीर भी अलग है और धनुष ये वाला चीज़ धनुष है, ठीक ये भी देखिए तीर क्या है, अलग है, बंदूक भी अलग है और धनुष भी अलग है। धनुष सिर्फ किसके साथ है, धनुष सिर्फ तोप के साथ है, ये वाला पार्ट है जो सिर्फ तोप के साथ में है, धनुष किसके साथ में है, तोप के साथ में, ठीक धनुष सिर्फ तोप के साथ में, तो ये दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ये दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। पहला निष्कर्ष क्या था, कुछ बंदूकें तीर हैं, तो ये जो बंदूक है कुछ बंदूकें तीर हैं, तो तीर तो हुआ नहीं क्योंकि बंदूक भी अलग है। दूसरा क्या था, कुछ तीरें, ये देख कुछ तीरें क्या है, धनुष है, तो धनुष भी अलग है। अगर यहीं पर रहता कि कुछ तोप, कुछ तीर की जगह क्या रहता, तोप रहता, तीर की जगह तोप रहता, कुछ तोप धनुष है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग सही बोलते हैं, क्यों क्योंकि ये देखिए ये तोप का ये डायग्राम है, इसमें से थोड़ा सा क्या है, धनुष बना हुआ है, तो ये सही हो जाता है, कुछ तोप धनुष है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि कुछ तीर क्या है, धनुष है बोलता है, कुछ तीर धनुष है, तो ये है गलत है। तो इससे निष्कर्ष निकल रहा है ना, तो हमारा एक पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, ठीक। तो हमारे पास ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें ABCD, तो उसमें से देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में क्या लिखा है, दोनों निष्कर्ष में से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। तो यदि ऑप्शन नंबर डी में दिया रहता है कि दोनों ना तो एक और ना ही दो, दोनों अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाएंगे, ठीक। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।